The Daily Show with Munir Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। तोशा खाना ये एक ऐसा मामला है जो कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जेर बहस आया हुआ है और हर कोई इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है। क्या हुआ था कि किस अंदाज से कोई घड़ी आई और किस तरीके से उसकी खरीद व फरोख्त की गई और फिर उसको बेचने के बाद जो रकम आई उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। यकीनी तौर पर इस वक्त काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो तहाइफ आते हैं, जो वज़रा आज़म को या दीगर वज़रा को जो तहाइफ आते हैं उसको बेचने का जो तरीक़ेकार है, माजी में क्या कुछ होता रहा, इस बार क्या कुछ हुआ और इस बार ये जो बहस है तोशाखाना की, इस बहस से ये बात दो सवाल निकल के आ रहे हैं। एक तो इसका लीगल पहलू है और दूसरा इसका इखलाकी पहलू है। खान साहब ने क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा अपने लिए हाई सेटअप किए थे, रियासत मदीना का नारा बुलंद किया था, इसके हवाले से भी इस बात को लेके काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है। आखिर का असल मसला क्या है और मामला आखिर है क्या, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब एम एम आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम एम एम आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एम एम आलम साहब। आज से दो रोज पहले ये खबर फिर से गर्दिश की और जो तोशाखाना केस का जो मामला था, जो हम देख रहे थे कि अब काफी ज्यादा पीछे हो चुका था, एक बार फिर से वो लाइमलाइट में आया। आखिर ये दो रोज पहले जो तब्दीली हुई, इसके पीछे की वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। असल में ये देखें, ये एक स्टोरी की है शाहिब खानजादा ने जी, और ये बात तो सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और फिर उसके बाद वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सामने लाई गई कि एक घड़ी है जिसको शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान ने दी और फिर वो बेच दी गई है। अब प्रॉपर तरीके से उसके जो मोहरिकात थे वो सामने आ गए, इधर भी सामने आ गया, बेचने वालों के भी नाम सामने आ गए। अब खान साहब ने इस स्टोरी को रद्द तो नहीं किया लेकिन उसमें उसके कंटेंट्स पे एतराज किया और कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अब बात ये नहीं है कि कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पाकिस्तानी कोर्ट में अगर खान साहब गए तो फिर तो खान साहब ने जो ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं ताकि नाजरीन को भी पता चल सके। इनफ इज इनफ, यस्टरडे जियो एंड खानजादा सपोर्टेड बाय हैंडलर्स स्लैंडर्ड मी थ्रू अ बेस स्टोरी कुक्ड अप बाय नोन फ्रॉडस्टर एंड इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल। आई हैव स्पोकन टू माय लॉयर्स एंड आई प्लान टू सू जियो एंड खानजादा एंड द फ्रॉडस्टर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन यूके एंड यूएई। ये तो बड़ा सख्त मौकफ है खान साहब की जानिब से। देखिए खान साहब अभी भी अपनी जो पुरखाश है वो रखते हैं हैंडलर्स के साथ। हैंडलर्स जो कह रहे हैं ये हैंडलर्स कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। उनका उनकी सोच ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये स्टोरी बना के शाहिब खानजादा को दी और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहीं नहीं लिखा कि ये स्टोरी प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको वैसे एक आम पाकिस्तानी में एक बात कहना जरूरी समझता हूँ कि खान साहब जब आए तो उनको एक ऐसी क्या जरूरतें थी कि तोशाखाना उनको मिसाल कायम करते, बैन लगा देते तोशाखाना के ताइफ के खरीदो फरोख्त पे। उनको ये काम करने की नौबत क्यों पेश आई कि मामला अब मामला आपको पता है किस चीज पे रुका हुआ है? अब मामला प्राइस पे रुक गया। आप चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुने आप जी, और बुजुर्ग की अब मामला ये नहीं है कि घड़ी जो है तोशाखाना से निकली है वहां तक पहुंची, गोगी ने पहुंचाई नहीं पहुंचाई, मामला ये है कि खान ज्यादा इसकी कीमत ज्यादा लगा रहा है जी। मामला ये आया हुआ है खान साहब जो शुरू करने जा रहे हैं वो इस बुनियाद पर करने जा रहे हैं, वो इस बुनियाद पर नहीं करने जा रहे हैं कि फारा गोगी का नाम गलत आ गया, वो इस बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं कि घड़ी जो है तोशाखाना से और बेची नहीं गई और खानजादा ने बोल दिया कि बेच दी गई तो हम उसके खिलाफ सू कर रहे हैं। वो सू करने जा रहे हैं इस बुनियाद पर कि खानजादा ने इसके प्राइस बहुत ज्यादा लगा दी है। अरे भाई आपको जरूरत क्या थी इतनी कीमती घड़ी मार्केट में बेचने की? वो आदमी लेके खड़ा हुआ है वो जो उमर फारूक है जी, वो घड़ी लेकर खड़ा हुआ है पूरे सेट के साथ, उसी पैसे वही सेट जो आपको बादशाह ने दिया था और वो पूरी दुनिया में एक सेट अपनी नौयत का पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो सवाल या निशान बना रहा है कि हमारे मुल्क की क्या दुनिया के अंदर बर्थ बन गई कि कोई लेकिन आलम साहब माजी में बड़ी सारी सूरत कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि माजी में हमने देखा कि किसी को कोई कालीन पसंद आया तो वो कालीन लेके गया, किसी को गाड़ियां पसंद आई तो गाड़ियां लेके चला गया, किसी को अंगूठियां, किसी को नेकलेसेस, ये सारी चीजें तो माजी का पाकिस्तान में हिस्सा दिखाई देती है। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे एक ऐसा तबका मुसल्लत है और वो मुसल्लत करने में हाथ उन्हीं का है जिनको खान साहब हैंडलर कह रहे हैं। इस तबके को पाकिस्तान पे मुसल्लत उन्होंने किया है
जिनके यहाँ ना शर्म नाम की कोई चीज है, ना उनके यहाँ गैरत नाम की कोई चीज है। उनकी वीडियोज बाहर आ जाती हैं, बेहयाई की बेगैरती वाली वीडियोज बाहर आती हैं, उसके बावजूद फिर वो सियासतदानों की बहन बेटियों के दरमियान खड़े होते हैं, उनमें इतनी शर्म नहीं होती, इखलाकी जुर्रत नहीं होती है कि अपने आप को गोशा नशीन कर ले। हमारे हमारे मुल्क पे ऐसा टोला मुसलत किया हुआ है 74 सालों से, और ये मुसलत करा ही इन हैंडलर्स ने, जिनको इमरान खान साहब आज नाराज हो रहे हैं। इमरान खान साहब को भी लाने वाले यही थे, इमरान खान साहब को भी ये लाया, और इमरान खान साहब के सारे राज इनके पास हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि 10% भी अभी सामने नहीं आए। लेकिन अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये घड़ी जिसका तस्करा किया जा रहा है, ये गालिबन 2019 में फरोख्त की गई, उमर फारूक साहब को अचानक से दो रोज पहले क्या जरूरत पड़ी कि दो रोज पहले वो मीडिया पे आए? इससे पहले भी इस घड़ी का तस्करा होता रहा, इससे पहले भी इस घड़ी के हवाले से बात होती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, उस वक्त ये मंजरेआम पे ना आए, सडनली दो रोज पहले ये स्टोरी आती है सामने, मंजरेआम पे आते हैं और वो इस बात का दावा करते हैं कि उनको ये घड़ी डायरेक्टली बेची गई। ये भी एक सवाल है कि ये अचानक से क्या हुआ, 2 साल की खामोशी क्यों थी आकर? मुन्नी साहब, 2 साल की खामोशी का जवाब कल दोबारा खानजादा साहब ने अपने प्रोग्राम में दे दिया। कल उन्होंने फवाद चौधरी के साथ इनकी की गई व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन ओपन की, जो कि दी उसने उमर फारूक साहब ने। उस व्हाट्सएप के जरिए ये जाहिर होता है कि अभी एक तो स्कैंडल आया है घड़ी का, अगला स्कैंडल जो आने वाला है वो कोरोना वैक्सीन का है। अच्छा, अब कोरोना वैक्सीन में भी जो फवाद चौधरी की और उमर फारूक की कन्वर्सेशन है वो मंजरेआम पे आ गई है, जिसमें वो फवाद चौधरी फारूक साहब को कह रहे हैं कि जी वो कोरोना की डील मुकम्मल हो गई है। इस मीन के अब कोरोना के अंदर जो करप्शन हुई है वो भी सामने आएगी, और उसमें भी यही इन्वेस्टर है उनका, हुकूमत का, साहब का हुकूमत का। तो 2019 से 2022 या 21 ले लें, इस वक्त तक किसकी खामोशी इसलिए थी कि 2019 में घड़ी बेची गई, उसके बाद 20 में कुछ और बेचा गया होगा, और कोरोना आ गया, कोरोना की वैक्सीन का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये भी कोरोना की वैक्सीन का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। और एक सवाल ये भी कि इनकी तस्वीर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बेशतर वज़राओं के साथ भी नजर आती हैं, तो अगर ये फ्रॉडस्टर हैं और अगर इस तरह के मामलात थे इनके कि इनके ऊपर काफी सारे केसेस भी मतलूब थे, तो फिर ये तस्वीर और इनका एक्सेस मिनिस्ट्रीज में किस तरीके से मुमकिन हो रहा था? लेकिन ये अब खिजानी बिल्ली और खम्बा नोचे वाली बात हो जाएगी। आप कहें कि भाई आदमी जाली आदमी है तो आपके साथ तस्वीरें मौजूद हैं, तस्वीरें छोड़े वो तो आपकी कन्वर्सेशन दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर स्कैंडल जो आ रहा है वो कोरोना का आ रहा है, और उसमें फवाद चौधरी के साथ की गई सारी कन्वर्सेशन जिसमें फवाद चौधरी इसको अपना भाई डिक्लेयर कर रहा है, अपना दोस्त डिक्लेयर कर रहे हैं, तो खाली फवाद चौधरी से नहीं है, फैसल वाडो से भी इसकी ताल्लुक रहा है, उसका शहजाद अकबर से भी ताल्लुक रहा है, ठीक है, सुशील बुखारी से भी उनका ताल्लुक रहा है। क्योंकि जो दुनिया भर में ऐसे इन्वेस्टर, देखिए मैं आपका एक मिनट इस पे लूंगा बस, जी दुनिया में जितने करप्ट इन्वेस्टर्स हैं सब ने तहरीक इंसाफ पे हाथ रखा था। ये मैं इमरान खान साहब से भी मदद करके एक बात कह रहा हूँ। आप नुसरत को लेकर आए, अनिल मुसरत भी करप्ट आदमी निकला प्रॉपर्टी टाइकोन के हवाले से। आप लेकर आए वो जो के इलेक्ट्रिक का जो वेदी है नकवी जी, आरिफ नकवी, वो गिरफ्तार हुआ मनी लॉन्ड्रिंग में, वो आपका मेन इन्वेस्टर था, ठीक है। आप अभी ये भी आपका मेन इन्वेस्टर था उमर फारूक, अब ये भी करप्ट आदमी है और इसमें कोई शक नहीं है, ये आदमी करप्ट है, पीटीआई गलत नहीं कर रही है, लेकिन सारे करप्ट आपके गिर क्यों जमा हुए थे? आप तो मदीने की रियासत बनाने आए थे ना, आप तो सजाओं का रिवाज लेके आते, आपने बजाय सजाओं का रिवाज देने के आपके स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए। 4 साल में आपके इतने स्कैंडल, 4 साल तो मिसाली होने चाहिए थे। अच्छा एमएम मालूम साहब, एक चीज और बताइए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस घड़ी के हवाले से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एक पेज है जो कि दुबई बेस्ड है, जो कि ऑपरेट करता है, उसने ये क्लेम किया कि घड़ी उनके पास थी और फिर वहां से घड़ी फरोख्त की गई, तो ये भी अहम मुमकिन है कि शायद उमर फारूक साहब इस हवाले से शायद कोई गुंजाइश छोड़ रहे हो कि घड़ी उन तक डायरेक्टली ना बेची गई हो, फिर दो एक या दो बार ये रीसेल होकर उन तक पहुंची हो? अब बात आपकी बिल्कुल सही है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। और देखें उमर फारूक में जब हो सकता है ना, क्योंकि अगर 2 साल पहले उन्होंने ली होती तो आज से कम 4 माह पहले भी आके मीडिया पे बता सकते थे, 3 माह पहले भी बता सकते थे, 6 माह पहले भी बता सकते थे। लेकिन अगर वो पेज जो क्लेम कर रहा है उसके पास भी इस घड़ी की तस्वीर मौजूद है, वो खुद इस घड़ी को ओन करने के हवाले से तमाम तक डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो फिर उनकी गवाही भी तो सच मानी जा सकती है। देखिए इमरान खान साहब का ये कहना, जो ट्वीट आपने पढ़ के सुनाया,
उसमें एक हैंडलर्स का जिक्र कर रहे हैं जी, हैंडलर्स कह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को जी। अब इमरान खान साहब को पता था कि एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि मैंने घड़ी, हमने घड़ी जो है उमर फारूक को दी है। इससे भी ये साबित होता है एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से हैंडलर के तौर पे, कि खान साहब को पता था कि भाई ऐसे इनको पता है हमारा ये राज, इन्होंने खानदानों तक पहुंचाया। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब उमर फारूक के पास इनकी व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन है दो दो तीन तीन चार चार साल की, तो क्या उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज होगी जो उमर फारूक के पास फारा गोगी गई और एक दिन उसने कहा कि मैंने उनको अगले दिन का टाइम दिया कि आप अगले दिन आके मुझसे कैश ले जाएं। अब उमर फारूक को भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अगले दिन कैश कहां से लाया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो कैश की डीलिंग है ये भी बड़ी एक इस एतबार से इंपॉर्टेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें तस्करा हो रहा है, और खान साहब जो यूके और यूएई की अदालतों का तस्करा कर रहे हैं ये भी गालिबन इसी वजह से कर रहे हैं शायद। देखिए, अगर ये साबित हो जाता है कि उमर फारूक के पास कैश पड़ा हुआ था जी और उमर फारूक ने कैश पेमेंट कर दी, उमर फारूक दुबई के अंदर यूएई के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। अगर उमर फारूक ने ये प्रूव किया कि ये मैंने अमाउंट इतना, तो खुद कह रहे हैं, वो तो खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैंने कैश पेमेंट किए, वो तो पेमेंट कैश करना गलत नहीं है, पेमेंट कैश रखना गलत है। अच्छा, अगर आपने पेमेंट कैश रखी हुई है इसका मतलब है कि वो व्हाइट मनी नहीं है, ब्लैक मनी है, और यूएई के लॉ के मुताबिक वो गिरफ्तार हो जाएगा उस केस के अंदर, उसमें मुकदमा होगा। अगर वो ये प्रूव करते हैं कि जी मैंने फला बैंक से, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है कि मैंने इतने धर्म निकाल के फराग होगी को दिए थे, तो तब तो कोई इश्यू नहीं है, वो प्रूव हो गया कि जी आपने निकाले। अगर उमर फारूक फेल होता है तो उमर फारूक, लेकिन आपको उमर फारूक जिस तर्स के बिजनेस मैन है वो जिस तर्स की अपनी बिजनेस डीलिंग के बारे में बताते हैं, तो ये जो रकम की बात की जा रही है मेरे ख्याल से इतनी बड़ी नहीं, वो तो किसी ना किसी तौर पर उसको साबित कर ही देंगे कि उन्होंने क्यों निकाली और कब निकाली। साबित तो देखिए, वो फिगर करना पड़ेगा जो उमर फारूक ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में दे दिया है। जो फिगर उन्होंने दिया कि मैंने इनको 20 मिलियन दिया, ठीक है, वो फिगर कन्वर्ट कर दें आप धर्म के अंदर, और धर्म में वो फिगर उनको साबित करना होगा कि उस दिन उन्होंने वो रकम निकाली। लेकिन चूंकि देखें, बाद औकात इंसान की मत मारी जाती है और उसका उस वक्त तो उनके ताल्लुकात अच्छे थे ना हुकूमत के साथ जी। उनके जहन में ये था कि शायद मजीद डीलिंग में मैं कामयाब हो जाऊंगा, या फिर उमर फारूक शुरू दिन से इनको ट्रैप कर रहा था। ये दो बातें सामने आ जाएंगी उस वक्त कि जब उमर फारूक या तो फिगर देने में नाकाम रहेगा कि मैंने फला बैंक से निकाले, और अगर वो कहता है कि मेरे पास कैश रखे हुए थे मैंने कैश दे दिया, तो वो ब्लैक मनी में उमर फारूक। सर ये बताएं कि अगर ये साबित हो जाता है कि घड़ी डायरेक्टली उमर फारूक साहब को नहीं बेची गई, और ये साबित हो जाता है कि ये घड़ी पहले एक पार्टी को, फिर उससे आगे दूसरी, और फिर इसके बाद दो या तीन सेलर्स के पास पहुंचने के बाद उमर फारूक साहब के पास पहुंचती है, तो क्या ये ओवरऑल खान साहब के हवाले से जो मुकदमा जो इस वक्त खान साहब बना रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगा? मैं समझता हूँ कि ऐसे खास उनको फायदा नहीं होगा इसमें। देखें, इमरान खान साहब पर एक इल्जाम लगा है, वो इल्जाम है कि सऊदी बादशाह की दी हुई एक नायाब घड़ी को बेचा गया। अब बेचने के ऊपर सर में लीगल मसला तो नहीं है ना, कानून पाकिस्तान का कानून तो उसकी इजाजत देता है, मॉरल यहां ये कहा जा सकता है कि शायद ना बेचते तो बेहतर होता। नहीं, लीगल पे वहां आते हैं, मिसाल फवाद चौधरी साहब ने कहा, असल में इनको ये आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, हर वजीर अपनी अपनी बात कर रहा होता है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने 10 करोड़ में बेची है, तो जमा आपने 10 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई थी, वैल्यूएशन 10 करोड़ हो गई ना जी, तो 50% पेमेंट का आपने कहा कि हमने लॉ बनाया 50% का जी, तो 10 करोड़ के तो 5 करोड़ होते हैं, आपने जमा कराया 2 करोड़ रुपया। सही, फिर ये घड़ी तो रिकॉर्ड के मौजूद ही नहीं है, तो खाने के ये घड़ी तो बार बार फारिग हुई है, ये घड़ी तो रिकॉर्ड में नहीं आई है। सही, और अब जब ये घड़ी की आपकी ही बताई गई कीमत वहां मौजूद नहीं है, आप 2 करोड़ जमा करा रहे हैं 5 करोड़ की जगह, तो ये उस केस में तो इमरान खान साहब फंस जाएंगे। लेकिन ये लेकिन खान साहब ये यूके में जो केस करने का फैसला किया गया तरीके साहब की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, यूके को क्यों सेलेक्ट किया गया? मेरे ख्याल में अब खान साहब जो है ना पाकिस्तान से बेजार हो गए हैं, काफी टाइम हो गया मुल्क से बाहर नहीं गए, वो इस बहाने अब शायद मुल्क से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि शायद कोई विजिट हो जाए क्यूके का उनका कोर्ट कचहरी के हवाले से, और वो विजिट क्यों करना चाह रहे हैं, ये हैंडलर्स जो है जो जिनसे जंग है इमरान खान साहब की, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर क्यों बैठना चाह रहे हैं जाके, क्योंकि इमरान खान साहब
ये जहन बना चुके हैं कि कोशिश करके बाहर जाके बैठा जाए और बैठ के फिर वो बातें खोली जाए जो पाकिस्तान में नहीं खोल पा रहे हैं वो। तो ये अभी जो है ना नफ्सियाती जंग बहुत तेज हो गई है और इसमें देखें क्या होता है आगे। इमरान खान साहब के आसाब बहुत मजबूत हैं लेकिन जो उनपे इल्जाम आ रहे हैं जैसे कल ये धुलना आसान नहीं है। ठीक हो गया, नहीं समझता धुलना आसान है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मालूम साहब, आपने वक्त दिया। और यकीन तौर पर जो मौकफ इस वक्त पेश किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके वुजरा की जानिब से और खान साहब की जानिब से, वो यकीन तौर पर बहुत अहम है। और वो जो खान साहब ने जो ट्वीट में जो बातें कही और वो जो स्टांस दिखाई दे रहा है वो अगेन बहुत एग्रेसिव है। और मैं एक बार फिर से वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और उसमें जो कहा गया कि बस बहुत हो गया, कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर जमाना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की और इसमें जियो खानजादा और धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूं। ये वो ट्वीट है खान साहब की जानिब से जो ट्वीट किया गया। और इसमें खान साहब अपना जो स्टांस है वो इसमें जाहिर भी कर रहे हैं। और ये बात एक तरीके से अच्छी भी है कि अगर ये तमाम तर मामला वंस फॉर ऑल अदालत में जाके सेटल हो जाता है तो फिर इसमें जो सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत से सवालात हैं, उनके जवाबात मिल जाएंगे। जिस तरीके से ये स्टोरी पेश की गई और उसके बाद इस स्टोरी के बाद काफी ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर जो रिसर्च की उसमें अब तक जो सूरत हाल सामने आई कि घड़ी दरअसल एक कंपनी है जो कि यूएई बेस्ड या दुबई बेस्ड आप कह सकते हैं, उसके पास की घड़ी मौजूद थी और उस घड़ी की उन्होंने अपने पास ओनरशिप जाहिर की और उनकी जानिब से मुबैया तौर पर अभी तक जो बात सामने आ रही है कि उन्होंने इस घड़ी की सेल के हवाले से भी तमाम तर मामलात को वाज़े तौर पे बताया है। तो ये सूरत हाल थी जो हमने अभी आपके सामने रखी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्यादि जमातों का, जो हुकूमती इत्यादि जमातें, उनका भी एक बड़ा सख्त मौकफ आ रहा है। आज से पहले इनके ऊपर इल्जाम लगते रहे लेकिन अब तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाए तो उनका क्या कहना होगा, इसके हवाले से जानेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर हो। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।